तुम लोग बोलेंगे भाई क्या 25 25 CCF में एक लाल पत्ती तो बनी है, ये उल्टे है भाई उल्टे। हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर गेमर। तो यहाँ पे आने वाला है क्राफ्टी मेंटर, जिसका वो मिलेगा फ्री में CTP, और वो इमेज लीक हुई है ना भाई, मस्त इमेज है। ऐसा अगर ऐसा हुआ, देखो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है भाई ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि क्राफ्ट इवेंट को आया हुआ बहुत टाइम हुआ है। क्राफ्ट इवेंट को आया हुआ कम से कम 5 से 6 महीने हुए। पिछला क्राफ्ट इवेंट हमको डॉक्टर ऑक्टोबस के अपडेट में मिला था, जब थानोस टियर 4 था आई थिंक, ऐसे ही कुछ था। और पिछले मतलब अगर जो 1 साल से ऊपर हो गए गेम में, और जब से मैं गेम और क्राफ्ट इवेंट जब से भाई ठीक ठाक रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट आया था भाई कौन सा, ब्लेसिंग शुरू चेस्ट एंड ब्लेसिंग शुरू सिलेक्टर, भाई क्या घटिया रिपोर्ट था भाई वो। जब सच में क्राफ्ट इवेंट में ऐसा रिपोर्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद मेगा 6 स्टार टिकट और मेगा नहीं मेगा 6 स्टार थी कि और टीयर 2 नॉर्मल सिलेक्टर, टीयर 2 का जो नॉर्मल सिलेक्टर है वो। और फिर उसके बाद एक चेस्ट मिला था जिसका नाम को मिलता था भाई एक आर्टिफैक्ट, हाँ आर्टिफैक्ट मिलता था। और मुझे डेड बुल और एजेंट मैंने का आर्टिफैक्ट उस टाइम निकला था 4 4 स्टार का, ठीक है। अब बात है यहाँ पे तो क्राफ्ट इवेंट को आया तो भाई समय तो ये क्राफ्ट इवेंट जो इमेज लीक हुई है ना भाई, इसको मैं क्या बोलूँ, मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है भाई ऐसा हुआ तो भाई मज़ा आएगा। तो जरा आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्या होने वाला है। तो देखो इमेज की माने तो यहाँ पे जितने भी है ये सब है क्राफ्ट, क्राफ्ट टू आइटम टू क्राफ्ट मतलब रिवॉर्ड, ओके ये रिवॉर्ड है सब, ठीक है। और बीच में ये मतलब लाइफ मतलब एक तरह से बोले तो ये टाइम लिमिट है, ओके टाइम लिमिट जैसे अनलिमिटेड है, टाइम लिमिट है डेली है वो। फिर गोल्ड कॉस्ट मतलब गोल्ड देखो यहाँ सेव करने गोल्ड है, CCF है सेव करना, क्यों कैसे बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे है मटेरियल्स टू यूज़, ओके मटेरियल्स को यूज़ करना। तो मटेरियल क्या दिखाऊँ, यहाँ पे पत्ती हैं, ग्रीन पत्ती, पीली पत्ती, ऑरेंज पत्ती, लाल पत्ती, अबे पेड़ की पत्तियाँ नहीं भाई। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। नहीं भाई गेम के अंदर पत्ती जमा करनी, ठीक है। तो भैया मैं थोड़ा समझाऊँ तो स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। 100 हरी पत्ती में कुछ गोल्ड अनलिमिटेड हम बना सकते हैं, ओके यहाँ पे अनलिमिटेड हम बना सकते हैं भाई। यहाँ पे पीली पत्ती एक मतलब पीली पत्ती हम बना सकते हैं, और यहाँ अनलिमिटेड क्यों लिखा है यार, मुझे यही कंफ्यूज होता है समझे। फिर बात है यहाँ पे 10 हरी पत्ती में हमें ये डेली 10 चेस्ट मिलेगा, जो कि हरा चेस्ट है इसका ना कुछ भी आइटम निकल सकते हैं, मतलब CCF CTP भी निकलेगा चलेगा, नहीं तो कुछ और भी निकल सकते हैं मतलब मटेरियल्स, ओके। फिर 10 हरी पत्ती, फिर CTP इनसाइड मतलब चांस कम रहेगा लेने का, बट CTP इनसाइड है, ठीक है। 100 पीली पत्ती, 100 पीली पीले अनलिमिटेड एक ऑरेंज पत्ती, मतलब अनलिमिटेड में एक ऑरेंज पत्ती कोई सेंस, मतलब मुझे इसी में डाउट होता है भाई समझे। फिर एक पीली पत्ती, फिर एक पीली पत्ती में हम अनलिमिटेड बना सकते हैं 100 हरी पत्ती, एक पीली में 100 हरी कुछ गोल्ड देने में, ठीक है कुछ गोल्ड अभी चल रहे हैं। तो 10 पीली पत्ती में 10 हमको डेली चेस्ट मिलेगा, ये चेस्ट में बोला ना भाई कुछ भी निकल सकता है मटेरियल्स है या फिर गोल्ड वोल्ड कुछ भी। फिर हमें भाई 10 पीली पत्ती, ओके 10 पीली पत्ती, और 10 पीली पत्ती में हमें एक फिर से CTP इनसाइड, इसमें भी चांस साल से कम रहे मतलब 3 CTP में क्या, ठीक है। एक ऑरेंज पत्ती, एक ऑरेंज पत्ती में हमें 10,000 ग्रीन पत्ती अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। और यहाँ पे एक बार CTP इनसाइड, ओके यहाँ पे आते हैं भाई 20 लाल पत्ती, 20 ऑरेंज पत्ती, और ढेर सारे गोल्ड, 10 मिलियन गोल्ड है भाई 10 मिलियन। देखें गोल्ड सेव करना 10 मिलियन, अगर ऐसा हो तो भाई आपको गोल्ड सेव करना पड़ेगा। एक बार हम CTP चेस्ट ले सकते हैं, CTP में भाई चेस्ट में भाई सब CTP रहेंगे आई थिंक, ठीक है। और फिर से भाई एक ग्रीन, एक ऑरेंज और एक लाल पत्ती में हमें कुछ गोल्ड पे CTP, सही एकदम मस्त है लीक अच्छी है, ओके। अब भाई CCF देखो, CCF सेव करने बोला, देखो यहाँ पे CCF क्या दिखाऊँ, ये जो CCF से हम बना सकते हैं डेली डेली 2 मतलब डेली 2 ऑरेंज पत्ती, ठीक है डेली 2 ऑरेंज पत्ती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑरेंज पत्ती दिखाई गई है डेली डेली की, और यहाँ 50 50 CCF से कुछ गोल्ड दे के हम बना सकते हैं ये। बट यहाँ पे चीज आती है क्या, लाल पत्ती का कहीं भी यहाँ दिखाया नहीं, मतलब लाल पत्ती रिपोर्ट में नहीं दिखाई है। अब तुम लोग बोलेंगे भाई क्या 25 25, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। CCF में एक लाल पत्ती तो बनी है, ये उल्टा है भाई उल्टा है। यहाँ पे जो है भाई ये मटेरियल्स है जिससे हमें ये बनाना है। देखो ये मुझे लगता है भाई ये जो लाल पत्ती है ना गेम मोड खेलने में मिले, गेम मोड मतलब
डायमेंशन मिशन, डिस्पैच मिशन, स्टोरी मतलब हाँ स्टोरी गेम मोड खेलने पर मिलेगी। एक बार बोल तो फिर से, यहाँ पे हमको आइटम रिवॉर्ड में ये दिखा रही नहीं है, समझ लो आइटम टू रिवॉर्ड्स, आइटम टू क्राफ्ट ये इसमें दिखा रही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे लाल पत्ती शायद से ईजी कलेक्ट हो जाए गेम में। गेम इवेंट मिशन करके एक इवेंट आता है, मिशन इवेंट या इवेंट मिशन समथिंग कुछ ऐसे ही रहता है, तो उसके अंदर हमको रिवॉर्ड मिलता है। पिछले मतलब हम जब क्राफ्ट कर रहे थे एनिवर्सरी के टाइम था शायद वो क्राफ्ट करने का, तो वहाँ पे अल्फाबेट्स थे, ओके अल्फाबेट्स थे वहाँ पे हमको कलेक्ट करने थे इवेंट मिशन से। उस टाइप से इवेंट मिशन आए तो यहाँ पे हमको लाल पत्ती वहीं से मिले, ओके और यहाँ पे हमको एक लाल पत्ती में भाई पाँच मतलब ये सी सी एफ ले सकते, मतलब जिसके पास सी सी एफ की कमी है तो वो ऐसे ले सकते हैं। तो लाल पत्ती का यहाँ जिक्र नहीं होगा, लाल पत्ती हमें क्राफ्ट में नहीं मिलेगी, हमें वो कहीं गेम मोड खेलने से मिलेगी, इवेंट मिशन या फिर डायमेंशन मिशन, डिस्पैच मिशन, स्टोरी मोड समथिंग ऐसे ही। अब बात आई भाई यहाँ पे, ये ऐसा हुआ तो भाई सही, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें से डाउट है कि मैं बट ऐसा हुआ तो ठीक है, मतलब ये इमेज जो है भाई ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल तरीके से है, ऐसे ही करूँगा तो भाई मज़ा। अब गोल्ड 10 मिलियन में सिटी भी जस्ट एक बार मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना पता है, लाल पत्ती कहाँ से मिलती है ये देखना पड़ेगा, ऑरेंज पत्ती तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे क्राफ्ट करके। तो ये समझाओ कि ये जो इमेज लीक है तो इसमें कब तक आएगा, कब तक आएगा क्राफ्ट इवेंट? देखो अभी सितंबर अपडेट आने वाला है और मिड अपडेट में क्राफ्ट इवेंट आते हैं, तो मिड अपडेट पर तो जब ब्लैक बोल्ट आएगा ना तब सितंबर के मिड अपडेट में आई थिंक आने वाला है क्राफ्ट इवेंट, या फिर अक्टूबर मिड अपडेट में समथिंग ऐसे ही पकड़ के चलो। ओके ऐसे ही बोलूँगा, मतलब जस्ट जस्ट इमेजिंग, मतलब जस्ट इस पे मतलब सिर्फ सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ सितंबर मिड अपडेट या अक्टूबर, अक्टूबर नहीं हुआ तो फिर अक्टूबर के बाद भाई डायरेक्ट समझो ब्लैक फ्राइडे है, नवंबर के महीने में डायरेक्ट ब्लैक फ्राइडे, 2 महीना रह गया ब्लैक फ्राइडे वायल हुए, तो नवंबर के लास्ट में यानी 24 नवंबर को हमें शायद से देखने को मिले। तो ये सिंपल सी बात है, ये जो है ना भाई इमेज सही है, बस इसके अंदर ना भाई बहुत मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है थोड़ा सा ऐसे सेंस लगाऊंगा तो तुमको पता चलेगा कि लाल पत्ती हमें नहीं मिलेगी, लाल पत्ती हमें स्टोरी मोड इवेंट इवेंट मिशन अगर आता है तो इवेंट मिशन पे, नहीं तो स्टोरी मोड, डिस्पैच मिशन, डायमेंशन मिशन समथिंग ऐसे गेम में लाल पत्ती मिलेगी, नहीं तो ऑरेंज पत्ती की बात है तो ऑरेंज पत्ती तो हमें क्राफ्ट करने से मिल जाएगी, सी टी पी जिसके पास 10 मिलियन गोल्ड, तो गोल्ड और सी सी एफ बचा के चलने चलो, नहीं तो जिसके पास कैरेक्टर बिल्ड है तो भाई कैरेक्टर पहले बिल्ड कर लो, नहीं तो सी सी एफ और गोल्ड बचाऊंगा। तो देखो अभी ये गारंटी नहीं है कि भाई ये इस अपडेट में आता है या अगले अपडेट में आता है या डायरेक्ट ब्लैक फ्राइडे में आता है, कोई गारंटी नहीं है, तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बचाना चाहो बचाओ, नहीं तो अपने अगर कैरेक्टर बिल्ड नहीं है तो भाई ओके कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, जो अगर आपके पास जरूरी कैरेक्टर बिल्ड नहीं है, डैमेजिंग लीडरशिप सपोर्ट वीडियो बना दिया नहीं देखे तो पिन कमेंट चेक लेना, और मेरे पास तो देखो बहुत सारे सी सी एफ है, बहुत सारे मटेरियल जिससे मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे गोल्ड भी है तो मुझे ऐसा नहीं, लेकिन जो एफ टू प्लेयर है भाई उनको गोल्ड सेव करना है, सी सी एफ सेव करना पड़ेगा, बट इवेंट तो आने दो भाई, पैच नोट में इवेंट तो दिखने दो, फिर हम पता लगाएंगे ना भाई मिलता है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अभी तक देख रहे हो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल क्लिक करना, और दोस्तों में शेयर कर देना, और कमेंट बताना भाई कि ये जो है अभी लीक इमेज भाई ये एकदम सच है या फिर आप लोगों के हिसाब से भाई ये क्या है।